अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ऑल हेयर इनकाउंटर महलुकीन के विरसा को मुआवजा अदा किया जाए, इनकाउंटर SIT रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऑल हेयर इनकाउंटर मामले को उठाया। पिछले 6 सालों के दौरान GHMC को 67,000 करोड़ रुपये मालियती तरक्याती कामों के आगाज का सहरा, रियासती वजीर बल्दी नगमनोस KTR का बयान। मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई, ऐवान असम्बली की कार्रवाई ताहाल जारी। पुलिस से रसूखात बताकर नौजवान को हिरासा करने वाले शरपसंद शख्स के खिलाफ चनानगुट्टा पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत। रियासत तेलंगाना के कई अजला में 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश की इत्तलात मिली है, जबकि महकमे मौसमियात की तरफ से आने वाले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश में भी बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना में कई नदियां और तालाब लबरेज हो गए हैं और वहां से पानी का भी अखराज जारी है। इस दौरान दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में शाम तकरीबन 4 बजे से मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई सड़कों पर पानी जमा देखा गया, जबकि गाड़ियों की आमद रफ्त में काफ़ी परेशानियां नज़र आईं। फौरी तौर पर महकमे GHMC हदूद में हुए नुकसानात का तखमीना नहीं लगाया जा सकता, ताहम नशेबी इलाकों में कई मकानात में पानी दाखिल होने की भी इत्तलात मिली है। चारशंबे की शाम हुई बारिश ने तेलंगाना हुकूमत के बुलंदबांग दावों की खलाई खोल दी और दोनों शहर की सड़कें झील में तब्दील हो गईं। पौश इलाके माने जाने वाले टोली चौकी, शेखपेट और अतराफ अकनाफ की कॉलोनियों के कई मकानात में पानी दाखिल हुआ, जबकि सड़कों पर जमा पानी में मोटर कारें और 2-व्हीलर्स तैरती हुई नजर आईं। हकीमपेट, MD लाइन्स, गोलकुंडा के अलावा पुराने शहर के कई इलाके मुतासिर रहे और घंटों हुई बारिश की वजह से आवाम परेशान नजर आई। बहादुरपुरा चौराहे पर बारिश की वजह से कई गाड़ियाँ रुक गई थी, जिन्हें पुलिस अहलकारों ने मदद की और खुद भीगते हुए उन्हें धक्का दिया। इसी तरह कई मकामात पर भी गाड़ियां फेल देखी गईं। आगे हो गए मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फे सिफर के दौरान ऑल हेयर इनकाउंटर मसले को उठाते हुए कहा कि 7 अप्रैल 2015 को नलगुंडा ज़िले के ऑल हेयर के मुकाम पर 5 मुसलमानों का इनकाउंटर किया गया था और जो पुलिस मुलाजमीन उनकी हलाकतों के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अकबर ओवैसी ने कहा कि हमारे मुतालबे के बाद एक कमेटी इसकी तहकीकात के लिए तशकील दी गई थी, लेकिन आज तक SIT रिपोर्ट नहीं आई।
अकबर ओवैसी ने सवाल किया कि आखिर SIT की रिपोर्ट कब आएगी। अकबर ओवैसी ने कहा कि इन मुस्लिम नौजवानों को जिन इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया था वो उनमें बरी हो चुके हैं। खालिद मजलिस ने कहा कि पुलिस को इख्तियार नहीं है कि वो किसी की जान ले, क्योंकि अदालत इसका फैसला करेगी। अकबर ओवैसी ने कहा कि आज भी उन नौजवानों की हलाकत के जिम्मेदार पुलिस मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्हें सजा नहीं दी गई, जबकि कौमी इंसानी हकूक कमीशन ने 29 जुलाई को एक हिदायत जारी की थी जिसके तहत हुकूमत तेलंगाना को महलुकीन के वर्षा को फी कस 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि महलुकीन के अफराद खानदान आज भी इंसाफ के लिए मुंतजिर हैं और वो उम्मीद में है कि उनके साथ इंसाफ होगा। अकबर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत फौरी इनकाउंटर महलुकीन के वर्षा को मुआवजा अदा करे और जो पुलिस मुलाजमीन उनकी हलाकतों के जिम्मेदार हैं उन्हें मुअत्तल करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं एक अहम मसला उठा रहा हूं और ये मसला होम मिनिस्टर साहब के जरिए मैं चाहता हूं कि इसका वो जवाब दें। सर, 7 अप्रैल 2015 को नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में आलेर के मुकाम पर 5 मुसलमानों को एनकाउंटर कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से हमने मुतालबा किया था कि उन मासूमों को जिन जिन पुलिस वालों ने गोली मारकर उनको हलाक किया, उनकी जान ली, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे मुतालबे के बाद हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि एक 6 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाएंगे जिसकी क़यादत संदीप शिंडलिया साहब करेंगे। अप्रैल 13 को बनाया गया था, ऐलान हुआ था, लेकिन आज तक भी वह SIT की रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये SIT की रिपोर्ट कब आएगी। और सर, मैं ये बात आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि जिस इल्जाम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कस्टडी में इनका एनकाउंटर किया गया और जो रास्ते में वो लोग कोर्ट को जा रहे थे जिस केस के लिए, उस केस में सारे के सारे बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सर, क्या पुलिस को कोई अख्तियार नहीं है किसी का जान लेने के लिए? अदालत है वो फैसला करेगी कि फांसी पे चढ़ाना चाहिए या इनको उम्र कैद की सजा देनी चाहिए, लेकिन पुलिस कौन होती है इनको जान से मारने के लिए? और ये काम होने के बाद आज तक भी वो कसूरवार पुलिस वाले आज भी ड्यूटी पर है, अपना काम अंजाम दे रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं हुई है, हालांकि ये लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सर, और एक मैं ये बात कहूंगा कि 29 जुलाई को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक डायरेक्शन पास किया जिसके जरिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को और ये जितने बच्चे थे जिनको मारा गया, वखार भी था उसमें, एक का नाम सैयद अमजद है, वखार अहमद है, मोहम्मद जाकिर, अजहर खान, मोहम्मद हनीफ, इनकी तरफ से जनाब उस्मान शहीद साहब वकील नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को गए और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कहा कि 5 लाख रुपया कंपनसेशन इनको दिया जाना चाहिए। तो मैं आज यहां खड़े रहकर मुतालबा करता हूं स्पीकर साहब आपके जरिए, ये मासूम लोग जिनकी जान ली गई पुलिस एनकाउंटर के जरिए गोलियां मार कर मारा गया, इनको इंसाफ दिलाइए। इनके अफराद खानदान इंसाफ के लिए आज भी बेचैन हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। मैं भी कहूंगा कि मेरा दिल भी तड़पता है, रो रहा है कि मासूमों को गोली मारकर जान ले ली गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत 5 लाख रुपया उनको ह्यूमन राइट कमीशन की जानिब से जो कहा गया वह गिरफ्तार देगी और मैं उम्मीद करता हूं कि SIT की रिपोर्ट को टेबल करेगी और वह सारे पुलिस ऑफिसर जो इसमें मुलविस हैं उनको फौरन मुअत्तल करके उनको सजा देते हुए उनको जेल में डाला जाए। यह मेरा मुतालबा है स्पीकर। अध्यक्ष साहब, मुअज्जिज रुकन असेंबली और हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो कह रहे थे, नोट किया गया अध्यक्ष।
अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर वज़ीर दाखला मोहम्मद महमूद अली ने सिर्फ इतना कहा कि फ्लोर मजलिस ने जो कहा है वो नोट कर लिया गया है, लेकिन अकबर ओवैसी ने वज़ीर दाखला के इस मुख्तसर जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम मसले को उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ ये कहा जा रहा है कि हमने नोट कर लिया। हुकूमत को ये हिदायत दी जाए कि तहरीरी तौर पर इसका जवाब दिया जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बरहम होते हुए कहा कि क्या मुसलमान की जान की कोई कीमत नहीं है। मोजिज रुकन असम्बली और हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो कहे थे नोट किया गया अध्यक्ष। अब इसमें आप जवाब दीजिए सर, सर आई वांट एन आंसर इन दिस जीरो जीरो और नफर मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए, आप लोग गड़बड़ मत करिए, सिर्फ गड़बड़ करने से नहीं होता। अकबर बोल रहा हूं सुनिए पहले सर, मैं ओनली अकबर अकबर सर सर वी आर रेजिंग एन इशू इन जीरो आवर सर, we are raising in zero in zero zero over sir, I request through you sir, kindly tell the ministers and the government to give a written reply to the issues raised in this house, ye main keh raha hu sir, aisa aur aisa hum masla utha rahe hain, note kar liye hain, bol rahe ho ja raha hai bsc mein sir, you have decided that all issues raised in zero over will be replied, lekin hamare ko reply nahi diya ja raha hai। मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूं, यह अहम मसला है बेखुसूर, क्या मुसलमान की जान जान नहीं है, क्या हमारा खून खून नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं। अरे हमारी जान जा रही है, हमको मार दिया गया, हम इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, क्या हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम इंसाफ पूछ रहे हैं और कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो कहा 5 लाख को दे दीजिए सर, एसआईटी की जीरो ओवर के संबंधी जीरो ओवर के संबंधी तम आदेश प्रकार रिटर्न रिप्लाई इवबड़ता अध्यक्ष। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक़्श के टी रामाराव ने कहा है कि पिछले 6 सालों के दौरान जीएचएमसी ने 67,000 करोड़ रुपये मालियती तरक्याती कामों का आगाज़ किया है, जिसमें कई काम तकमील हुए और कई अब भी जारी हैं। ऐवान असम्बली में जीएचएमसी की जानिब से किए जा रहे कामों का तस्करा करते हुए केटीआर ने कहा कि जीएचएमसी को हर माह 78 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं, जबकि अर्बन लोकल बॉडीज़ को माहाना 70 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासत की मईशत को मजबूत करने में हैदराबाद का अहम रोल है। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से किए जा रहे मुख्तलिफ इकदाम पर तफसीली रोशनी भी डाली। चार मीनार गोलकोंडा वंटी अद्भुत कट्टडाल सरसन हैदराबाद नगर सिगलो मरो कलकित रायगा त्वरलो प्रारंभ कानुना दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिड्जी निलवनुन्नदि। हैदराबाद ट्राफिक रद्दीनी तग्गिंचडं प्रधान लक्ष्यंगा चेपट्टिन ई ब्रिड्ज निर्माणं इप्पटिके पूर्तयिंदि। प्रजलु प्रजा रवाणानु एंतगा विनियोगिस्ते अंत बागा चेंदिनट्टुगा अंत बागा अभिवृद्धि चेंदिनट्टुगा भाविस्तुंटां। ई नेपथ्यंलो तेलंगाण प्रभुत्वं प्रजा रवाणा व्यवस्थकु पेद्द एत्तुन प्राधान्यत इच्चिंदि। देशंलोनि इतर नगरालतो पोल्चि चूसुकुंटे मेरुगैन प्रजा रवाणा व्यवस्थनु मनं निर्वहिंचुकुंटुन्नां। मेट्रोतो हैदराबाद प्रजा रवाणा व्यवस्थ अंतर्जातीय स्थायिलो गुर्तिंपु पोंदिंदि। ఇప్పటికి నగరంలో 69 కిలోమీటర్ల మేర కార్యకలాపాలు మెట్రోవి కొనసాగుతూ ఉన్నాయి। కోవిడ్ సంక్షోభానికి ముందు రోజుకి 4 లక్షల మంది ప్రయాణికులను రవాణా చేస్తూ మెట్రో రైలు తన సేవలను అందిస్తా ఉంది। అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మెట్రోని భవిష్యత్తులో మరింతగా రాబోయే రోజుల్లో మరింతగా విస్తరిస్తాం। పట్టణ ప్రాంతాల్లో పౌరుల కోసం ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చేపట్టింది। रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने ऐवान असम्बली में ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के तहत फौरी रकम की जराई का मुतालबा किया। वक्फ़ सफ़र के दौरान अहमद बलाला ने इस मसले को उठाते हुए कहा कि तलबा बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए गए हैं, लेकिन फीस अदा ना करने से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं और उनका तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। अहमद बलाला ने महकुमे अखलियती मालियती कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि अखलियती मालियती कॉरपोरेशन छोटे खर्जात की इजराई को भी रोक चुका है। उन्होंने कहा कि फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन पूरा ही डिफंग होकर रह गया है, क्योंकि पिछले महामारी के अंदर लोगों के अंदर माशी तकलीफ के दौरा माशी तकलीफ की वजह से लोगों की हालत बहुत खस्ते खस्ता होते जा रही है। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहूँगा कि जो लोग बाहर गए स्कॉलरशिप के नाम के ऊपर, आज उनको वहाँ पर वहाँ बाहर रहकर वो लोग फंसे हुए हैं, उनको तालीम की फ़ीस नहीं अदा की जा रही है। आईटी कंपनी के अंदर वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से कैब ड्राइवर्स परेशान हैं,
तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जो छोटे लोन्स देता था वो लोन्स नहीं दे रहा है यहाँ, जबकि शादी मुबारक और दूसरे स्कीमात के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से पूरे हर फंड रिलीज हो रहा है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को स्ट्रेंथन कर ये छोटे लोन्स दिए जिए और स्कॉलरशिप के अमाउंट्स रिलीज कीजिए, ताकि छोटे लोग गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए कहना चाहूँगा कि प्लीज़ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन एकदम डिफंग हो गया, उसको थोड़ा एक्टिवेट कर फंड्स रिलीज करिए। शुक्रिया। मिनिस्टर अध्यक्ष मौजूद रुकन असेंबली अहमद बिन बलाला जो गए अध्यक्ष थे, नोट कर लिया गया अध्यक्ष, और क्या जाए। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रियासत में उर्दू के नाम की तख्तियां और साइन बोर्ड्स लगाने पर हुकूमत की तवज्जो मफजूल करवाई। वक्फ़ सफ़र के दौरान अहमद पाशा खादरी ने कहा कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान है, इसलिए तमाम महकमे जात को इस सिलसिले में पाबंद किया जाए कि उर्दू का भी तख्तियों से लेकर दूसरे उमूर में भी इस्तेमाल हो। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि आज तेलंगाना रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़ दिया गया। वैसे तो कई सालों से मौक़ दिया हुआ है, लेकिन 2004 से जहां पर 2014 से इस मसले में रियासती हुकूमत ने जो इकदाम किए वो पिछली हुकूमतों ने नहीं किया। ऐवान असम्बली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तवज्जो दहानी पर चीफ मिनिस्टर साहब ने तेलंगाना में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा उर्दू को दिया, और उसका सबूत यह है कि 60 मुख्तलिफ महकमे जात में उर्दू के मुतरजिम के तकर्रात अमल में लाए गए। आज भी हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद तवज्जो दीजिए कि हर जगह उर्दू से साइन बोर्ड की ज़रूरत है, तमाम दफातर में और अब सरकारी दफातर में और नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के पर जो किलोमीटर के स्टोन लगे रहते हैं उसमें, और खुसूसन असम्बली के अंदर मोहतरम स्पीकर साहब आपके चैम्बर पर भी उर्दू की नाम की तख्ती होना चाहिए। उर्दू की अमलावरी के हर महकमे में पाबंद करना चाहिए, इसको अमली तौर पर ठोस सबूत और ठोस इकदाम के ज़रिए इसको अमली शक्ल देना चाहिए, जो साबिका की हुकूमतें नज़रअंदाज करती रही। आपके ज़रिए मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने उर्दू के लिए बहुत बेहतरीन मौक़ का इख्तियार करते हुए 60 मुतरजिम का तकर्रर अमल में लाया, और उर्दू की तरक्की पे वो संजीदा हैं। मैं हम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अकबर अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर जहाँ तक उर्दू की तरक्की होती रही, मजीद हम ये चाहते हैं कि उर्दू को मौसर मुकाम मिले और हुकूमत की तवज्जो दहानी पर यह हो सकता है। शुक्रिया अध्यक्ष साहब। मौजूद रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी जो कहे अध्यक्ष, नोट कर लिया गया। ऐवान असम्बली में रुकन असम्बली हलके चार मीनार मुमताज़ अहमद ख़ान ने लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियों और दस्तावेजात की वापसी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जो भारी चालानात किए गए हैं उससे भी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस जैसे कि मार्च में शुरू हुआ, उस वक्त से आज तक ट्रैफिक के जो चालानात किए गए हज़ारों नहीं बल्कि अगर हैदराबाद साइबराबाद वगैरह में लाखों आदमियों को चालानात किए गए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हज़ारों लोगों के गाड़ियां छुड़वाए, लेकिन आज तक भी लोगों के जो गाड़ियां सीज किए, काफ़ी गाड़ियां सीज हैं, उनके डॉक्यूमेंट सीज करके रखे गए, और लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो रिलैक्सेशन दिया जाता था उस रिलैक्सेशन में जब लोग ज़रूरत के खातिर अपने घरों से बाहर निकलते तो उनको भी चालानात किए गए, और ख़ुसूस कर लोकेलिटीज़ के अंदर जहां पर लोग ज़रूरत के लिए गाड़ियों पर बैठकर निकले। मैं तो ये कहूँगा कि होम मिनिस्टर साहब से जो शहर में हेलमेट के नाम पर जो चालान किए जा रहे हैं, शहर में अगर पुराने शहर से निकलकर अगर हाईब्रिड तक भी जाते हैं तो 20 किलोमीटर की स्पीड भी नहीं रहती, लेकिन हेलमेट के जो शख्स हेलमेट नहीं पहनता उनको चालान किया जाता है। कम से कम स्पीड के ऊपर देखकर हेलमेट के चालानात नहीं करना चाहिए, और जो गाड़ियां सीज हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स आज भी पुलिस स्टेशनों में रखे हुए हैं, तो मैं आपके ज़रिए होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं
कि उन तमाम गाड़ियों को और उनके डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करवाएं और हजारों की तादाद में चालानात किए गए, तो हुकूमत की जानिब से वो चालानात को भी खत्म अगर कर दिया जाएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा। मिनिस्टर अध्यक्ष साहब मौजूद रुकने असेंबली मुमताज अहमद खान से बोले थे, नोट किया गया और गौर किया जाएगा। अध्यक्ष रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने ऐवान असम्बली में अनीसुल गुरवा की इमारत के तामीरी कामों को रोक दिए जाने से ऐवान को वाकिफ करवाया। मोहम्मद मौजम खान ने कहा कि हुकूमत की तरफ से अनीसुल गुरवा के लिए एक एकड़ अराजी फरहम की गई थी और तामीरी काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन 20 करोड़ रुपये की कमी की वजह से तामीरी काम रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि दरगाह बरहाना शाह साहब के पास भी फंड्स की कमी की वजह से काम नहीं हो रहा है। इस्लामिक सेंटर के लिए भी ज़मीन अलाट हो चुकी है, लेकिन आज तक भी वहां पर भी काम शुरू नहीं हुआ। मोहम्मद मौजम खान ने कहा कि जल्द से जल्द इन कामों को शुरू किया जाए। यह हुकूमत से पूछना चाह रहा हूँ, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब हम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदगी के ऊपर अनीसुल गुरबा की एक एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी और उसका तामीर का काम चालू हो चुका है। आज 20 करोड़ रुपए की कमी की तरफ से वो तामीर वहाँ पर बंद हो चुकी है। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, जैसा अनीसुल गुरबा है, बुराने शाह साहब की दरगाह है, वहाँ पर भी फंड्स की कमी की तरफ से काम नहीं हो रहा है और इस्लामिक सेंटर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीन को अलॉट कर चुका है और वहाँ पर आज तक भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, ये जो तीनों भी है, अनीसुल गुरबा है, बुराने शाह साहब की दरगाह है, इस्लामिक सेंटर है, ये काम कब स्टार्ट होंगे और जल्द से जल्द आप काम कराएं तो यहाँ की हैदराबाद की आवाम के लिए सहूलत होगी। शुक्रिया। नोट कर लिया गया। 20 साल में हाईटेक सिटी न्यूयॉर्क की तरह नज़र आता है, लेकिन 400 साल पुराना शहर आज भी खस्ता हाल है। पुराने शहर की खस्ता हाली पर मंजिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में कहा कि पुराना शहर तरक्की के लिए तड़प रहा है और कह रहा है कि मुझ पर भी कोई तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि पुराने शहर की गलियां आज भी तंग हैं और ट्रैफिक के मसाइल हैं। अकबर ओवैसी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमत पुराने शहर की तरक्की पर ज़रूर गौर करेगी। अकबर ओवैसी ने पुराने शहर के कई मसाइल को हुकूमत के सामने रखा और पुराने शहर की अजमत रफ्ता को बहाल करने का मुतालबा किया। कायद मजलिस ने पुराने शहर की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपये फराहम करने का भी मुतालबा किया। सारी दुनिया में अगर हम हाईटेक सिटी की तरक्की पर हुकूमत का मुबारकबाद देते हैं तो हम ये भी जरूर कहना चाहते हैं कि 20 वर्ष में हाईटेक सिटी आज न्यूयॉर्क की तरह दिख रहा है और उसको लोग कह रहे भी हैं कि हिंदुस्तान का न्यूयॉर्क है। लेकिन मैं यहां खड़े रहकर अफसोस के साथ कहता हूं कि 20 वर्ष में वो न्यूयॉर्क बन गया, लेकिन 400 वर्ष पुराना शहर जो है वो आज भी खस्ता हाल है, वो आज भी तरक्की के लिए तड़प रहा है, पुकार रहा है, चीख रहा है, कह रहा है कि मुझ पर भी कोई तवज्जो दे और मुझे भी कोई हाईटेक सिटी की तरह बना दे। 400 वर्ष पुराने शहर को बसकर हो गए, लेकिन आज भी पुराने शहर की गलियां तंग है, रास्ते तंग है, ट्रैफिक का मामला है। हम को यकीन है कि हुकूमत जरूर पुराने शहर की तरक्की पर भी गौर करेगी, पुराने शहर में भी खुशहाली लाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सेंटर, या मैं याद दिलाऊं मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने ऐवान में ऐलान किया था मेरे मुतालबे पर कि फार्मा सिटी आएगा, हाईटेक सिटी का भी एक और एक ब्रांच हम शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब या महेश्वरम के एरिया में लाएंगे, जिसके जरिए ओल्ड सिटी भी डेवलप होगा, तरक्की होगी। और मुझे याद है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा था कि मैं पुराने शहर को इस्तनबॉल बनाऊंगा। आज इंतजार है हमको कि पुराना शहर कब इस्तनबॉल बनेगा, हमको इंतजार है कि पुराना शहर में कब तरक्की आएगी। आज पुराने शहर में चार मीनार है, आज हमारे पुराने शहर में गोलकुंडा फोर्ट है, 7 टूम्स है और सबसे पहली मस्जिद है और उसके बाद में एक काला ताजमहल बनाया गया था, वो भी है पुराने शहर में। टूरिज्म के
भी बहुत से मुकामात हैं, लेकिन आज वहां पे तरक्की नहीं हो रही है। मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि आप पुराने शहर की तरक्की के लिए एक 10,000 करोड़ का ऐलान करिए। अगर आप ऐलान करेंगे जिसके जरिए रोड वाइडनिंग को लेना है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि ये 5-6 बरस में शहर हैदराबाद और बिलखसूस पुराने शहर में भी काफी रोड वाइडनिंग्स हुए हैं, SRDP में काफी फ्लाईओवर्स भी लिए गए हैं और सीवरेज सिस्टम्स भी जो नहीं था पुराने शहर में वो भी आए हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स के भी काम आए हैं। जैसे कि हमारे कारवान में कॉन्स्टेंसी में हुकूमत ने 320 करोड़ का एक सीवरेज और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का एक पैकेज को मंजूर किया, इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे कॉन्स्टेंसी में चंद्रायन गुट्टे में भी हमने चीफ मिनिस्टर साहब से, KT रामाराव साहब से मुलाकात कर बल्लागोड़ा जो एरिया है मेरे एरिया का, वहां पे सीवरेज लाइंस नहीं है, उसके ताल्लुक से हमने मुतालबा किया, तो 310 करोड़ रुपए का एस्टीमेट आया है और वादा किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो काम भी होगा। मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन यह भी जरूर कहूंगा इसके साथ साथ कि कई मसाइल हैं। रोड वाइडनिंग 10-10 बरस से पुराने शहर में वैसी हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, दो इश्यूज जो मैं 20 साल से मुसलसिल कह रहा हूं मुझे याद आते हैं। आज जो राज्यसभा के मेंबर हैं जनाब सुरेश रेड्डी साहब, वो आपकी कुर्सी पर आंध्र प्रदेश असेंबली में स्पीकर थे, तो मैंने उनसे बड़े ही तड़पते हुए अंदाज में जोरदार आवाज में कहा था कि स्पीकर साहब आप हमारे रेस्क्यू को आइए, चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। चार मीनार आज अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन से खतरे में है। तो उस वक्त के स्पीकर साहब ने, सुरेश रेड्डी साहब ने कहा, अकबर साहब आपके इसके मुतालबे पर मैं मिनिस्टर साहब को कहूंगा। मिनिस्टर साहब ने, उस वक्त के मिनिस्टर ने उठकर कहा कि हम चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, चार मीनार को बचाएंगे। और सुरेश रेड्डी साहब ने कहा कि आज तो आपको खुशी हो रही होगी कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन आज भी चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। एक वक्त का मसला होता है जो मैं बार बार उठाता हूं, दूसरा चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन का प्रोजेक्ट की कंप्लीशन। लेकिन आज इतने बरस के बावजूद भी चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। पत्थरगट्टी इतना खूबसूरत, सर आई हैव ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, सर इटली जा गया हूं, यूरोप गया हूं, अमेरिका, साउथ ऑफ अमेरिका, एवरीवेयर, अफ्रीका ऑल्सो। सर जो भी पुराना शहर होता है, जिस भी शहर का पुराना शहर होता है, वो उनका सबसे बड़ा हीरा होता है, एक ज्वेल होता है, उसको खूबसूरत बनाते हैं, उसके हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके आर्किटेक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आज आप बताइए कि हमारा हेरिटेज, हमारा आर्किटेक्चर प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं यह कह रहा हूं तो यह भी मैं जरूरी समझता हूं कि KT रामाराव साहब का मुबारकबाद दूं कि बार बार मैंने मुतालबा किया था मौजम जाई मार्केट को बचाने के लिए, मौजम जाई मार्केट को रेनोवेट करने के लिए, हेरिटेज को बचाने के लिए, और बहुत अच्छा काम हुआ और मौजम जाई मार्केट आज अपनी खोई हुई अजमत को बहाल होती हुई देख रही है, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं। पत्थरगट्टी, नए पुल से लेकर पत्थरगट्टी और पत्थरगट्टी से लेकर गुलजार हाउस, गुलजार हाउस से लेकर चार मीनार, ये स्ट्रेच इतना खूबसूरत है, कभी वक्त निकाल कर जाकर देखिए कि वो पूरा स्ट्रेच हैज अ ब्यूटिफुल आर्चेस, स्टोन आर्चेस। मैं गड़बड़ करने के बाद, सर इन दिस हाउस व्हेन इन आंध्र प्रदेश असेंबली आई हैड रेज्ड दिस इशू, देन गवर्नमेंट हैड गिवन इंस्ट्रक्शंस टू क्लीन दोज आर्चेस, द आर्चेस वे क्लेंड एंड द ब्यूटी हैड कम आउट। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि वो आर्चेस को छुपाने के लिए जो जैसा बोर्ड डालना चाहता है वो बोर्ड डाल देता है, एक पर्टिकुलर साइज ऑफ बोर्ड एंड नेम का एक ऑर्डर और GOV है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। करोड़ों रुपया खर्च कर वो आर्चेस को रिवाइव करे, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। जब इसके साथ साथ मैं मौजम जाई मार्केट की बात करता हूं, तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि KT रामाराव साहब से हमने मुतालबा किया था कि पुराने शहर में भी सिकंदराबाद क्लॉक टावर की तरह एक क्लॉक टावर है, पुराने शहर में भी क्लॉक टावर है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को लेकर जाकर हमने दौरा किया था म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके बाद में पुराने शहर के उस क्लॉक टावर को रिपेयर किया गया, बनाया गया,
और आज वो खूबसूरत दिख रहा है, इसका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन उस क्लॉक टावर के पीछे चौक की मार्केट है जो मुर्गी मार्केट से मशहूर है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, छोटा सा एक मैं कहूंगा कि 300 स्क्वायर यार्ड या मैक्सिमम 500 स्क्वायर यार्ड या लेस देन 500 स्क्वायर यार्ड पे एक वन स्टोरी एक पुरानी बिल्डिंग है जो कभी भी गिर सकती है। और हमने कहा कि यहां पर आप एक मार्केट बनाइए 4 लेवल्स की। टूरिस्ट आते हैं खिलवत पैलेस को देखने, टूरिस्ट आते हैं चार मीनार को देखने, टूरिस्ट आते हैं लाल बाजार में। एक एंटीक की मार्केट बनाइए और आप वो स्ट्रक्चर को तोड़ दीजिए। तो आप गौर करिए साहब, आप गौर करिए स्पीकर साहब, बड़ी बड़ी इमारतें हेरिटेज में नहीं आती, उस्मानिया हेरिटेज नहीं, एरम मंजिल हेरिटेज नहीं, छोटी सी 300 गज की इमारत पानी टपक रहा है आधा गिर गया है नहीं बना रहे, रीजन व्हाट? नो, इट इज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर, इट इज इन अ डिलैपिलेटेड कंडीशन। सर आप उसको तोड़कर बनाइए, एक मार्केट बन सकती है और वो अतराफ के लोगों को दीजिए पार्किंग लॉट, खिलवत पार्किंग लॉट। पीपीपी प्रोग्राम में लेंगे बोले, पब्लिक पार्टनरशिप में सर, नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड टू टेक अप दैट पार्किंग लॉट सर। चार मीनार के पास खिलवत के पार्किंग लॉट, लेकिन वो पार्किंग लॉट को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कब किया जाएगा। अगर कोई फॉरवर्ड नहीं आ रहा है तो जीएचएमसी क्यों नहीं बनाती उसको? पार्किंग लॉट वैसी है सर, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट सर, बिफोर दिस लॉकडाउन इन अ सिंगल डे मोर देन 25,000 टूरिस्ट यूज टू कम टू विजिट चार मीनार एंड चौमहला पैलेस सर एंड गोलकुंडा फोर्ट। तो सर अगर हम हमारे टूरिज्म को डेवलप नहीं करेंगे, टूरिज्म को डेवलप करना है सर। सर आई हैड रिक्वेस्टेड टाइम एंड अगेन टू टेक अप दिस वर्क सर फॉर द चार मीनार सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट। वी नीड टू रिहैबिलिटेट वो जो छोटे बंडियां वाले डब्बे वाले पत्थरगट्टी से लेकर चार मीनार तक हैं उनको सर। इट इज नॉट जस्ट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देयर, इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ऑल सिटी सर। कई खानदान पलते हैं चार मीनार में बंडियां लगाकर डब्बे लगाकर, कई घर पलते हैं। अगर चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के नाम पर हम उनको साफ कर देंगे तो कई घर भूख में मुब्तला हो जाएंगे परेशानी में। तो हमने प्रपोजल दिया साथ में जाकर, अरविंद साहब भी साथ में थे, मिनिस्टर्स साहब थे, हमने जाकर नए पुल के पास 2 ब्रिजेस बनाने का प्रपोजल बनाया, कंसल्टेंट्स को दिया, जियो भी निकाला कि वहां जितने बंडियां डब्बे वाले हैं सालारजंग म्यूजियम के पास नए पुल पर 2 ब्रिजेस डालकर उनको वहां पर अपनी रोजी रोटी का काम करने की इजाजत देंगे। सर आज तक जियो निकला लेकिन संगे बुनियाद नहीं, काम का आगाज नहीं। और मैं ये बात जरूर कहूंगा सर आपको कि लाल बाजार सर जो भी आते हैं सर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आए थे या जो भी कंट्री के बड़े सरबराह आते हैं हैदराबाद को, तो वो लाल बाजार जरूर जाते हैं। सर लाल बाजार का क्या हाल है? सर मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिनिस्टर साहब का कि मैंने कहा कि पंजाब जाकर चंडीगढ़ जाकर देखते हैं सुनहरी गुरुद्वारा को किस तरीके से अच्छा बनाया गया, और एक डेलीगेशन जाकर वहां पर देखा कि किस तरीके से फसाद लगाया गया और किस तरीके से ब्यूटीफाई किया गया वो चंडीगढ़ के एरिया को, और उसकी मंजूरी दी गई। लेकिन आज भी लाड़ बाजार वैसे का वैसा ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ लाड़ बाजार। सर अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जीएचएमसी में अगर ये तरक्की आई है, हैदराबाद का अगर नाम हुआ है और हैदराबाद में तरक्की आई है, तो इस चीज को ना भुलाएं कोई कि इस तरक्की में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी टीआरएस के साथ है, क्योंकि टीआरएस और मजलिस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाती है आपस में मिलकर। हम भी हैं आपके साथ, हम जब आपके कामयाबी पर खुशी मनाते हैं, जब हैदराबाद को नाम आता है तो हम भी मसरत का इजहार करते हैं, हाईटेक सिटी की डेवलपमेंट को देखकर हम भी खुश होते हैं, हैदराबाद का नाम दुनिया के नक्शे पर आने पर हमको भी खुशी होती है, फख्र महसूस करते हैं, तो पुराने शहर के इस हाल को देखकर हमको शर्मिंदगी भी महसूस होती है, हमको अफसोस भी होता है।
लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछते हैं लोग, अकबर साहब आप जब असेंबली में गए तो आपकी उम्र 26-27 वर्ष थी, लेकिन आज आप 50 के करीब आ रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपकी दाढ़ी सफेद हो रही है, लेकिन पुराना शहर नहीं बदल रहा है। हर हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफी की, सौतेला रवैया अपनाया हमारे साथ, लेकिन हमको उम्मीद और तवक्को आपसे है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर तवज्जो देंगे, रोड वाइंडिंग को लेंगे, कई रोड वाइंडिंग अब ऐसी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं लेते रोड वाइंडिंग को, क्यों फ्लाईओवर्स का काम मंजूरी दी गई, फलकनुमा ब्रिज 3 साल हुए मंजूरी होकर आज तक शुरू नहीं हुआ, चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन कई साल हुए नहीं हुआ, हां एसआरडीपी में बहादुरपुरे का फ्लाईओवर का काम हुआ, ओवैसी हॉस्पिटल के फ्लाईओवर का हुआ, मलकपेट से ओवैसी हॉस्पिटल का संग बुनियाद हुआ, वो भी काम हुआ, लेकिन ये काम हुए हैं हम उसके लिए शुक्रिया करते हैं, लेकिन जो काम नहीं हुए हैं वो कब होंगे ये मुतालबा करते हैं और ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि मुसलसल हम हमारे मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती है। और मेट्रो ट्रेन के बारे में कहूंगा कि बार बार हमारा मुतालबा रहा कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन को लाना चाहिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, केटी रामाराव साहब ने कहा कि हां मेट्रो आएगी, लेकिन सवाल यह है कि मेट्रो कब आएगी पुराने शहर में। अगर सर आई वॉन्ट टू कम ऑन रिकॉर्ड और यह चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो अपनी असेंबली की निश्चित से इस्तीफा दे दूंगा सर, मैं मेट्रो ट्रेन हैदराबाद में आई है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से, अकबरुद्दीन ओवैसी की वजह से आई, मैं ठहर के असेंबली में लड़ा, मैं और जनार्दन रेड्डी साहब खैरताबाद के एमएलए थे, हम दोनों ने मिलकर लड़कर इतना गड़बड़ की, वो जनार्दन रेड्डी साहब मोनो ट्रेन कहते थे, मैं मेट्रो ट्रेन कहता था, हम दोनों के झगड़े के बाद हम दिल्ली को गए, राजशेखर रेड्डी साहब ने कहा अकबर यू गो टू दिल्ली एंड सी द मेट्रो ट्रेन, वहां जाकर हम देखने के बाद हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन लाए, माइटास जो सत्यम था माइटास को दिया गया था, सत्यम डूबने के बाद माइटास से ले लिया गया, उसके बाद एलएनटी को दिया गया, मेरे मुतालबे पर मेरे लड़ने पर आया मेट्रो, लेकिन मेरे एरिया में मेट्रो आज तक नहीं है। आप बताइए सर न सिर्फ ये कृष्णा वाटर्स फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज अगर हैदराबाद में है तो मैं समझता हूं कि वंस अगेन आई वुड रिमेंबर जनार्दन रेड्डी खैरताबाद एमएलए हु यूज्ड टू फाइट विद मी, हम दोनों लोग लड़ते थे हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना, हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना, जनार्दन रेड्डी यूज्ड टू गो अगेंस्ट हिज पार्टी एंड स्टैंड विद मी एंड वी फॉट, गोदावरी वाटर्स शशिधर रेड्डी साहब ही वॉज एन एमएलए देन ही वॉज विद मी वी फॉट फॉर द गोदावरी वाटर्स, बट सर पानी भी जब आया तो पुराने शहर में नोट में मिनिस्टर साहब ने कहा कि रोजाना पानी दे रहे हैं, माफ करना स्पीकर साहब पुराने शहर में रोजाना पानी नहीं आता, एक दिन आया तो एक दिन नहीं आता, उसके बाद के दिन को आता है, और बास जगह पे तो 5-5 दिन नहीं आता है। सेकंड फेज का पानी पुराने शहर के लिए था, हम लड़के लाए थे सर, तेलंगाना के पानी के साथ नाइंसाफी हुई तो तेलंगाना बन गया, पुराने शहर के पानी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो हम बोले तो किसको बोले। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से हर साल 10वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को बेस्ट उर्दू स्टूडेंट्स अवार्ड दिए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत जारी साल भी अवार्ड्स जो सर्टिफिकेट्स और चेक्स पर मुश्तमिल होते हैं वो डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस के हाथों उर्दू एकेडमी के दफ्तर में दिए गए। इस मौके पर सुप्रीडेंट तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी कृष्णा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अवार्ड्स हासिल करने वाले तलबा ने उर्दू एकेडमी से इजहार तशक्कुर किया। मेरा नाम फिरदौस बेगम है, मेरे वालिद शेख वहाब और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मोहल्ला।
अपोजिट आश्रम स्कूल से हूँ और टेंथ में टॉपर आने की वजह से हमको 5000 का चेक और उर्दू अकेडमी की जानिब से सर्टिफिकेट मिला है। ये हमारे वालदा और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है और मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ और उर्दू अकेडमी की भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारा नाम सुना सुल्ताना है। हमारे वालिद का नाम मोहम्मद हनीफ है। हम आपको उर्दू मीडियम अकेडमी की तरफ से 5000 का चेक मिल रहा ताकि हम अच्छी तालीम हासिल कर सकें। हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हमें इसे नवाजा जा रहा है। हम उर्दू मीडियम अकेडमी का शुक्रगुजार। मेरा नाम अशरफ करीम है। मैं जी एस एस एल आर डी में नंबर 2 की तालिबा हूँ और मैंने 9.5 हासिल किया ग्रेड। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे उर्दू अकेडमी से कुछ अवार्ड मिल रहा है और आइंदा उम्मीद भी करती हूँ कि ऐसे ही मिलते रहे मुझे अवार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतिया करीम है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद इल्ताफ है। तेलंगाना उर्दू अकेडमी की तरफ से चेक दिया गया, 5000 चेक दिया गया और सर्टिफिकेट दी है। मैं अपने वालिदा और असातिज़ा की तरफ से قومی سالمیت کمیٹی کے زیر اہتمام ٹیچرز ڈے کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا جس میں کانگریس کے سینئر قائد و سابق وزیر محمد علی شبیر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب کیا۔ صدر قومی سالمیت کمیٹی ایس کے افضل الدین نے مہمانوں اور شرکا کا خیر مقدم کیا جبکہ ڈاکٹر مختار احمد فردین صدر اردو ماس سوسائٹی فار پیس نے مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ اس تقریب میں مختلف اسکولس کے ٹیچرز اور معزز شخصیتوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس تقریب میں اعجاز خان، سلطان احمد، محمد مجیب کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ یہ سب آج ڈیڈیکیٹڈ ہے کانگریس کے لیے کام کرنے کے لیے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے وہ پرچم جو ہے چار ہی پانچ سے جا کے چار کرے، پانچ سے چار کیوں کرے؟ جب پانچ کرے تو 51% ہو گیا ریزرویشن۔ سپریم کورٹ بولا، جسٹس سدرشن ریڈی صاحب بولے۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کی جانب سے بچوں کے لیے ماہنامہ روشن ستارے شائع کیا جا رہا ہے جس میں بچوں کے لیے تخلیقات ہوں گی۔ احمد علی میموریل ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے روشن ستارے ماہنامہ کی اجرائی پر ڈائریکٹر سیکرٹری تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی ڈاکٹر محمد غوث کو مبارکباد پیش کی گئی جو اس میگزین کے ایڈیٹر ہیں۔ اس موقع پر صدر سوسائٹی آصف علی اور کلچر سیکرٹری ڈاکٹر جہانگیر احساس کو ڈائریکٹر سیکرٹری ڈاکٹر محمد غوث نے ماہنامہ روشن ستارے پیش کیا۔ پروفیسر احمد اللہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ میں ایک جانب جہاں حکومت کی جانب سے کرونا کو قابو میں کرنے کے لیے اقدامات کی بات کی جا رہی ہے تو دوسری جانب کرونا مثبت کیسز کی تعداد میں اضافہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ دریاسنا تلنگانہ حکومت نے ریاست کے سرکاری، غیر سرکاری، خانگی اور ٹیچنگ ہاسپٹلس میں خالی بیڈز کے سلسلے میں رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ جملہ 20,396 بیڈز کے منجملہ 17,823 بیڈز خالی ہیں۔ ریاستی حکومت نے جیو 131 میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی روز سے ایل آر ایس فیس کی وصولی رجسٹریشن کے وقت اراضی کی مارکیٹ قیمت کے لحاظ سے وصول کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ریاستی وزیر کے ٹی آر نے ایوان اسمبلی میں بیان دیا اور کہا کہ ایل آر ایس میں درخواستیں داخل کرنے والے درخواست گزاروں نے ان کے رجسٹریشن دستاویزات کی تاریخ کے وقت اراضی کی مارکیٹ قیمت کے حساب سے فیس وصول کی جائے گی، نہ کہ موجودہ وقت کی مارکیٹ قیمت سے وصول کی جائے گی۔ ایل آر ایس درخواست گزاروں میں فیس کو لے کر بے چینی پائی جاتی تھی جسے حکومت نے دور کیا اور ریاستی وزیر نے بتایا کہ اندرون دو یوم جیو میں ترمیم کرتے ہوئے نئے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ کمشنر سٹی پولیس انجنی کمار آئی پی ایس کی ہدایت پر چندرائن گٹہ پولیس اسٹیشن کے راؤڈی شیٹر سید عبداللہ کو حراست میں لیتے ہوئے اسے چنچل گڑھا سینٹر جیل منتقل کیا گیا۔ 18 سالہ راؤڈی شیٹر سید عبداللہ جو پیشے سے میکانک ہے کئی ایک وارداتوں میں ملوث پایا گیا ہے۔
بالاپور کا ساکن ایک شخص اپنے رسوخات پولیس عہدیداروں سے بتاتے ہوئے ہراسانی اور مختلف قسم کے جرائم میں ملوث ہے۔ اس سلسلے میں چندرانگٹا پولیس نے ایک شکایت درج کی۔ تفصیلات کے مطابق حسین بن علی باخطاب، جو اپنے آپ کو پیس کمیٹی ممبر بتاتا ہے، مختلف طریقوں سے مقامی نوجوانوں کو ہراساں کرتا ہے اور پولیس اسٹیشن میں فرضی مقدمات بھی درج کرواتا ہے۔ مقامی افراد نے حسین بن علی باخطاب کے خلاف شکایت کی اور میڈیا کو تفصیلات بھی بتائیں۔ فوٹو تیسو لے تیسو ایک سیکنڈ ہوئے دیکھو ایک حسین باخطاب نام کا انسان ہے جو ہماری گلی سے تعلق رکھتا ہے، گلی کے بازو میں رہتا ہے۔ ان کے گھر کا فیملی میٹر ہے، جو آپسی لڑائی ہے ان کی، جو ان کے باغ پر ہاتھ اٹھائے کرے، بڑا بھائی ان کو مارا، یہ ان کے پرسنل میٹر ہے۔ اس کے درمیان ہم لوگوں کو گلی کے 5-6 جنوں کو ان نیسسری ٹارچر کر کے کیس بک کرے سوئے، غیر ضروری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات اچھے ریپیوٹیڈ آفیسروں سے ہے، جو آفیسروں کو مس گائڈ کر کے یہ ہم لوگوں کو ہراسمنٹ کر رہا ہے کہ میرے کو اتنے پیسے دیو، میں نکالتا ہوں، نہیں دیے تو پیسے ایسا ہراسمنٹ کر کے ایسا میں دوسرے کیساں بک کراتا ہوں، تم لوگوں کو پی ڈی ایک ڈلاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ یہ غیر ضروری تکلیفاں دینے والا انسان حسین بن باخطاب ہے۔ تو ہم لوگوں کی اپیل یہ ہے، ہم سب کی اپیل یہ ہے کہ ایسے غیر ضروری تکلیفوں سے ہم کو نجات ہونا، اور ایسو کیا بولتے سو آپ کو، یہ جیسے کہ اب ان کے پولیس والوں کے فوٹوز بتا کے کر کے ہراسمنٹ کرنا، حالانکہ یہ ریپیوٹیڈ آفیسر ہے، ان کو کوئی چیز وہ ہے ویسے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان نیسسری مس گائڈ کر کے آگے والوں کو، پولیس آفیسروں کو مس گائڈ کر کے ہم لوگوں کو فوٹو وہاں بتا کے کر کے پورا، یعنی پیسے دیو، میرے کو اتنے پیسے دیو، میرے کو یہ دیو، میرے کو فون دلاؤ، نہیں تو میں تو وہاں کو کیسا اور بک کراتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ گلی میں گئے تو سلام کرو، وہ کرو، یہ کرو، یہ ان نیسسری ٹارچر ہو رہا ہم لوگوں کو۔ ہم لوگ اسی لیے ایک پریس میٹ اس واسطے رکھا ہے کہ پریس کے ذریعے ریپیوٹیڈ آفیسر تک یہ بات جانا، اور ایسے ڈی سی پی صاحب، کمشنر صاحب، اے سی پی صاحب، سب سے گزارش یہ ہے کہ اس کے۔ ریاست تلنگانہ میں کووڈ کیسز کی تعداد میں چہارشنبے کو مزید اضافہ ہوا ہے۔ آج صبح ریاستی وزارت صحت کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 2273 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ جملہ کیسز کی تعداد 162,884 تک پہنچ گئی۔ آج صبح 12 اموات کی تصدیق کی گئی، جبکہ جملہ اموات 996 ہو گئی۔ ڈسچارج مریضوں کی تعداد 131,447 بتائی گئی ہے۔ آج صبح 2,260 مریضوں کے ڈسچارج ہونے کی بھی تصدیق کی گئی۔ ایکٹیو کیسز 30,401 بتائے گئے ہیں، جبکہ ضلع واری سطح پر دیکھا جائے تو حیدرآباد میں 325، کریم نگر میں 122، ملکاجگری میں 164، رنگریڈی میں 185، پیدہ پلی میں 47، سدی پیٹ میں 91، ورنگل اربن میں 114، ورنگل رولر میں 33، بھونگیر میں 55، سنگاریڈی میں 58، نلگنڈے میں 175، محبوب نگر میں 42، کھمم میں 97، جگتیال میں 50، منچریال میں 38، نظام آباد میں 91، کاماریڈی 68، جنگاؤں میں 33، نرمل میں 36 اور ونپرتی میں 32، جبکہ ناگر کرنول میں 33 کیسز درج ہوئے ہیں۔ جہنما ڈویژن میں گلشن نگر معین پورے میں سی سی روڈ کے کام کا آغاز کیا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی محمد معظم خان کی نگرانی میں جہنما بلدی ڈویژن میں مختلف ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ متعلقہ کارپوریٹر حسین پاشا نے آج ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ مسجد قدیریہ کو آنے جانے کے لیے مصلیوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اور سڑک کی تعمیر سے مقامی عوام کو بھی راحت ملے گی۔ انہوں نے بتایا کہ آس پاس کی سڑکوں کے کام بھی جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ اس موقع پر مقامی مجلسی کارکنان بھی موجود تھے، جبکہ مقامی عوام نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور متعلقہ رکن اسمبلی محمد معظم خان سے اظہار تشکر کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پہ گلشن نگر معین پورے میں
सीसी रोड के काम स्टार्ट हुआ है। मैं हमारे एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ साथ हमारे मौदम खान साहब बहादुरपुरा एमएलए साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डेवलपमेंट में हर वो चीज़ में काम कर रही है आपके बीच में रह के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आज गुलशन नगर ये कदीम बस्ती है, जो आज इस बस्ती में छोटे छोटे रोड है, मस्जिद खदरिया को आने जाने मुसलियों को तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए मैं और मेरे इब्तदाई सदर साहब और के अली भाई मौजूद थे। आज अलहमदिल्ला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे सीसी रोड का काम अमल में आया है। आज मेरे साथ इब्तदाई कमेटी के सदर मुतमदीन जीएचएमसी के ऑफिसर मेरे साथ मौजूद थे और यहाँ पर गुलशन नगर में तीन चार गलियों में इंशाल्लाह आज ये एक रोड का काम अमल में आया। इसके बाद आजू बाजू दो चार रोड का भी काम अमल में आएगा, इसकी लागत 10 लाख रुपए हो रही है। मैं ख़ास तौर पे आप लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके वोट के ज़रिए आज जो मजबूत होती है जमात, आज जमात आपको हर चीज़ की सहूलत दे रही है। नाज़रीन रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। कानून मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की जानिब से हल्के याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा जारी है। इस सिलसिले के तहत पाशा खादरी ने दबीरपुरा में जारी नाले के तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने औजारों पर जोर दिया कि काम की पेशरफ्त में सूरत पैदा की जाए ताकि जल्द अज जल्द नाले के काम को तकमील किया जा सके। इस मौके पर इब्तदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा सरगम मजलिस कारकुनान भी मौजूद थे। مجلسی رکن بلدیہ جہنما ڈویژن حسینی پاشا نے ڈویژن کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا۔ انہوں نے جی ایچ ایم سی کے ایمرجنسی اسکواڈ کو فوری طلب کیا اور پانی کی نکاسی کے سلسلے میں اقدامات کیے۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف نشیبی علاقے میں واقع مکانات میں اچانک اور شدید ہوئی بارش کی وجہ سے پانی داخل ہوا اور کئی افراد اپنی الیکٹرانک اشیاء اور اناج سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور بتایا کہ صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور متعلق رکن اسمبلی محمد معظم خان کی ہدایت پر انہوں نے فوری متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور پانی کی نکاسی کے اقدامات کا بھی آغاز کیا۔ डिवीज़न में धुआंधार बारिश होने की वजह से शहर में तकरीबन एरिए में मुतासर हुआ एरिया, तो मैं ख़ासतौर पर एमपी साहब के और एमएलए साहब की तवज्जो से इस एरिए का दौरा करा। जानमा डिवीज़न में आपके तकरीबन घरों में पानी घुस गया बारिश होने की वजह से। मैं यहाँ पे फर्दन फर्दन एक एक आदमी के एक एक घर के आदमी से मिला और एमरजेंसी स्क्वाड लेबर को लगाया हूँ। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इस एरिए को अपन राहत मिले था, लेबर काम कर रहे हैं। जीएचएमसी के लेबर्स को मैं बुलाया गया है। तकरीबन जैसा कि आपके रंजन कॉलोनी है, गौस नगर है, अमजदुल्ला बाग है, फूल बाग है, इस एरिया में जो तेज़दार बारिश होने की वजह से घरों में दाखिल हो गया पानी, तो मेरे साथ इब्तदाई कमेटी के वर्कर्स और जीएचएमसी के ऑफिसर्स और लेबर साथ है। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द से जल्द रात में फिर के तकरीबन एरिया को कवर करने की कोशिश करूँगा। मैं जलपली म्यूनसिपल कमिश्नर प्रवीण कुमार ने म्यूनसिपल हदूद में वाक़ इंडस्ट्रीज़ और कारखानों फैक्ट्रीज का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि कई फैक्ट्रीज में मुनासिब सहूलतें नहीं हैं जिनके लिए उन्हें वार्निंग दी गई है। उन्होंने तमाम कारखानों और फैक्ट्रीज के मालकिन से अपील की कि वह LRS का फ़ायदा उठाएँ, नीज टैक्स की अदायगी में भी वो पहल करें। तो तीन चार फैक्ट्रीज और हार्डवेयर शॉप पूरा इंडस्ट्रीज को विजिट करा, वो जो जो परमिशंस है वो चेक करें। वो बिस्किट फैक्ट्री में, कुरकुरी फैक्ट्री में कुछ परमिशन नहीं है, नीटनेस मेंटेन नहीं कर रहे और सहूलत अच्छे नहीं है उसमें, उसके बारे में पूरे वो सैंपल्स निकाल दिए। वो कल आज लैब को भेज दे के रिपोर्ट आने के बाद वो एक्शन ले लेते हैं हम। आज से ये दौरा करना रेगुलर हम दौरा करते हैं,
जो जो इलीगल इश्यूज है फैक्ट्रीज में कंपनीज में वो पूरा हटाने की कोशिश करूँगा। और ये टैक्सेस भी नहीं बन रहा, और वन टाइम सेटलमेंट में भी टैक्सेस वो सेटलमेंट को नहीं आ रहा, जो जो फैक्ट्रीज वाला भी नहीं, हाउस टैक्स नहीं बन रहा, कंपनी वाला भी थोड़ा बहुत पेंडिंग है लोगों के पास, वो भी चेक कर रहा हूँ। वो म्यूनसिपल का इनकम बढ़ाने को, जनरल फंड में इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी रेगुलर LRS निकला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वो LRS इलीगल वेंचर जो करे वो लोगों को बुला रहे हैं अपन ऑफिस को, नहीं तो हम खुद जाके वो लोगों के साथ वो गाइडेंस करके LRS में इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अभी ये 45 डेज तक वन टाइम सेटलमेंट का स्कीम फिर से एक्सटेंड हुआ है, वो भी मेंटेन कर रहा हूँ। स्टाफ को भी पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया, जो भी उधर पेंडिंग है, जो जो पेंडिंग है वो जाके वो लोगों को पर्सनली मिल के पूरा टैक्स वसूल करना है। नज़र में आया स्लाटर हाउस इशू भी, वो भी कल परसों से दौरा लेता हूँ, उधर जाके पूरा चेक करके आपको भी साथ लेके जाते, जाके चेक करेंगे जो जो इलीगल काम चल रहा है वो बंद करेंगे, उधर गांव वालों को भी वो प्रॉब्लम हटाने की कोशिश करेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर, ऑल हेयर इनकाउंटर महलुकीन के विरसा को मुआवजा अदा किया जाए, इनकाउंटर SIT रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई, कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऑल हेयर इनकाउंटर मामले को उठाया। पिछले 6 सालों के दौरान GHMC को 67,000 करोड़ रुपये मालियती तरक्याती कामों के आगाज का सहरा, रियासती वजीर बल्दी नगमनोस KTR का बयान। मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई, ऐवान असम्बली की कार्रवाई ताहाल जारी। पुलिस से रसूखात बताकर नौजवान को हिरासा करने वाले शरपसंद शख्स के खिलाफ चंदनगुट्टा पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत। नाजरीन रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।